और इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड की गुत्थी लगभग 1.5 महीने बाद भी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। पुलिस ने 3 फरवरी को मुख्य आरोपी बताते हुए ऋतुराज को सामने पेश किया और हत्या के पीछे रोड रेज की घटना को जिम्मेदार बताया था और अब उस मामले में पटना के SSP और 3 थानेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने पटना के सिविल कोर्ट में SSP उपेंद्र शर्मा के साथ 3 थानेदारों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने इन पुलिस अधिकारियों पर मारपीट, छेड़खानी और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 352, 365, 368, 346, 354, 374 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 3 फरवरी को मुख्य आरोपी बताते हुए ऋतुराज को सामने पेश किया और हत्या के पीछे रोडरेज की घटना को जिम्मेदार बताया था। अब इस मामले में पटना के SSP और 3 थानेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने पटना के सिविल कोर्ट में SSP उपेंद्र शर्मा के साथ 3 थानेदारों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 3 फरवरी को मुख्य आरोपी बताते हुए ऋतुराज को सामने पेश किया और हत्या के पीछे रोडरेज की घटना को जिम्मेदार बताया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए हैं। जी उत्कर्ष, रुपेश हत्याकांड मामले में ऋतुराज की पत्नी ने मामला दर्ज करवाया है, क्या है अपडेट? जी हाँ अलका, रुपेश हत्याकांड में ऋतुराज जो मुख्य आरोपी हैं, जो पुलिस के द्वारा बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी पत्नी ने अब बिहार पुलिस के कुछ आला अधिकारियों पे अब केस दर्ज कराया है। आपको बता दें अलका कि जो उनकी पत्नी साक्षी है वो पटना के SSP और साथ ही साथ उनके साथ जो 3 थानाध्यक्ष हैं उन पे उन्होंने केस दर्ज कराया है और IPC की धारा 352, 365 के तहत कई सारे मुकदमे दर्ज कराए हैं उन्होंने। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्कर्ष।